सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी मेडिसिन है जो आपको सारे मेट्रिया मेडिका में इसकी चर्चा मिलेगी, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट इतनी बड़ी है कि आपको लोकली इंडिया में मैं समझता हूँ कि हर शिव मंदिर के आगे मिल जाएगा आपको। इसलिए कि जब शिव की पूजा होती है तो जो हम लोग के यहाँ का जो पुराना वेद या जो भी उसे ऐसे रिलेटेड है लोगों का कहना या फिर धार्मिक चीज़ों में इनका शिव की पूजा में इसको इस्तेमाल किया जाता है और उसका नाम है आपका धतूरा, ठीक है। और सेट्रोमोनियम, उसी चीज़ के बारे में हम उस मेडिसिन का चर्चा करेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है। और इस मेडिसिन का चर्चा जहाँ तक होती है कि इसको थ्रोन एप्पल भी कहा जाता है, मतलब कांटेदार आप उसको एप्पल कहा जाता है। लेकिन इस मेडिसिन का इतनी खासियत है कि इसका जड़ से लेकर हर एक प्लांट भी इसका बहुत पॉइजनस होता है और ये पॉइजनस इतना इम्पोर्टेंट है कि होम्योपैथी के अगर पहले ग्रेड के जितने भी हाई लेवल के इन्फ्लामेशन होते हैं, चाहे वो आपका ब्रेन का इन्फ्लामेशन या ऐसे टिश्यूज़ के भी इन्फ्लामेशन, जहाँ तक आप एलोपैथी का या फिर कोई भी पैथी का मेडिसिन नहीं पहुँचती है, ये धतूरा वहाँ तक पहुँचती है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंट है। अब शिव मंदिरों में या शिव की पूजा के समय में इसको दिया जाता है, उसका क्या इम्पोर्टेंट है उसके बारे में तो हम लोगों को मालूमात नहीं है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि इस मेडिसिन का शायद उस समय इतना इम्पोर्टेंट रहा होगा, है ना, जो लोकली आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मैं उस चीज़ का यहाँ पे ये लगा देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं मेडिसिन सेट्रोमोनियम। अब सेट्रोमोनियम का जो सबसे पहला पेशेंट होता है, इनका वायलेंस कन्वल्सेंट होता है, चाहे वो हिस्टेरिया का हो, ब्रेन फीवर का हो, या कंजेस्टिस हो, या हाई ग्रेड का इन्फेक्शन हो, या कोई क्रोनिक अब्सेस हो, या आँखों में उसका प्रॉब्लम हो, या गला में सूखापन हो, या पेशाब का रुक जाना हो, इन सभी चीज़ों में इस मेडिसिन को बड़ी तेज़ी से उपयोग की जाती है। लेकिन इसका चर्चा आपको लिमिटेड मेट्रिया मेडिका में ही कुछ इधर उधर की लगेगा, लेकिन इसको इमरजेंसी में हम लोग कभी कभी यूज कर लेते हैं। इस मेडिसिन को अगर आप हम देखें तो इसका जब वायलेंस होगा तो आप इसको कैसे वायलेंस में देख सकते हैं। मान लिया किसी को ब्रेन फीवर रहा हो या मेडिसिन का पेशेंट का जो है डोपामिन है ना और गामा ये जो हार्मोन्स है ये इम्बैलेंस हो रहा है, तो जहाँ तक आप जैसे ब्रेन कन्वल्सन होता है या फिर आपको मिर्गी कह सकते हैं, इस तरह की अगर कोई भी समस्या होता है आप इस मेडिसिन का सेट्रोमोनियम का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसे बच्चे जो सीपी बच्चे होते हैं, सेरेब्रल पैरालिसिस होते हैं या ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, उनमें भी सेट्रोमोनियम बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करती है, क्योंकि ये बहुत ही बारीक इन्फेक्शन जो होता है, मतलब बारीक नसों में और हाई ग्रेड का इन्फेक्शन होता है जहाँ पे आम एंटीबायोटिक के काम नहीं होती है, तो ये मेडिसिन वहाँ पे यूज की जा सकती है और बहुत ही एक्सेलेंट रिजल्ट देता है। दूसरे हम इसको देखेंगे क्रोनिक अब्सेस, कैसा अब्सेस, किसी जॉइंट पे अब्सेस बन गया हो। हमारे पास पेशेंट है, उसका भी वीडियो हम अपलोड करेंगे इस सेट्रोमोनियम का कि उसका क्रोनिक अब्सेस कैसा था और उसमें से पस निकल रहा हो, वहाँ पर आप इस मेडिसिन का अगर यूज करें तो वो चीज़ उसका जो फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ में हमने एक दो मेडिसिन अलग से भी आप उसका यूज कर सकते हैं अगर जॉइंट में है। तीसरा इसका आइस का, इसका कैसा होगा, आइस का प्रॉब्लम कैसा हो सकता है इसका सेट्रोमोनियम का, कि जैसे ब्रेन में कंजेस्टिविटी अगर हुआ जिसके वजह से आँखों में दर्द हो सकता है या फिर आँखों में दिखाई सही से नहीं दिया जा सकता है या फिर आप उसका अपर साइड में पेन हो सकता है जलसीमियम की तरह। दूसरे केसेस अगर देखें तो ऐसे नट इसका यहाँ गला सूखता है, बहुत ज़्यादा सूखता है और ऐसे खांसी पूरा खांसता है, ये पूरा मतलब खांसी ऐसा होगा पूरा आपको दिखेगा कि उसमें बलगम बलगम कुछ नहीं होता और ये लंबा समय तक होता है, और ऐसे केसेस सिफिलिस लोगों में भी इसका होता है। अब सिफिलिस लोग कैसे देखेंगे, जिनको ब्रेन की बीमारी होती है उन लोगों में खांसी बहुत आम होता है, और वो खांसी ऐसा नहीं कि डेली होगा, कभी कभी होगा तो थोड़ा लंबा समय तक पूरा सूखा टाइप का लगेगा इस तरह का, तो क्योंकि वो खास होता गले में जो पूरा डेरीनेस हो जाता है जिसकी वजह से होता है थ्रोट वगैरह में खांसी। अब इसका पेशाब का रिटेंशन कैसा देखेंगे, पेशाब का रिटेंशन कैसा होगा, अगर पेशाब रिटेंशन हो जाता है खास के ओल्ड लोगों में, हमारे पास इस मेडिसिन से आपको बिलीव नहीं होगा, हमने कम से कम 50 केस ऐसे हैं जो फेरम पिक्रिक और इमसिल
जिनकी पेशाब की नली लग जाती थी, पेशाब का जो नली लगाता थैली लगा हुआ रहता था उसको खुलवा दिया। ये दो मेडिसिनों के यूज़ से जिनका यूनी ब्लाडर बिल्कुल पावर लोसेस हो चुका हो ब्लाडर का, और बूढ़े लोगों में अगर आप इसका यूज करते हैं तो पेशाब निकाल देती है। हम फेरम फिक्री किससे यूज कर सकते थे, क्योंकि एज के कारण जो है उन लोगों का जो वहाँ पे प्रोस्टेट हो जाता था, या फिर यूनी ब्लाडर जो वाल ब्लाडर का जो वाल था वो थिकनेस हो चुका था होगा कोई बैक्टीरिया लीकुली की वजह से, हम उसको यूज करते थे। तो ये दो मेडिसिनों से हमने आपको बताया कि 50 से जैसे जायद ऐसे केस हैं 70-60 प्लस लोगों को जिनको ये लग चुका था पेशाब की थैली, ये सेट्रोमोनियम और आपका फेरम पिक्रिक से। तो कहने का मतलब है कि आप मेडिसिन का बेसिक चीज़ है, आप इसको जानिएगा तभी क्यों यूज कर सकते हैं। और ये मेडिसिन इतनी बड़ी है, आपको हम बताएं कि हमारे पास इसके कम से कम आपको हम बताएं कि इसका केस ऐसा दिखा गया है हमारे पास कि जो थर्ड ग्रेड में जो अब जैसे मान लिया किसी को, जैसे एक एग्जांपल था मतलब हमारे पास आया हुआ था बंदा एक उसको 360 प्लस था उसको टाइफाइड, वो बकता था है ना, वो इधर उधर की बातें करता था, मतलब जो एक पता है मेंटल डिसऑर्डर जो इधर उधर की बातें करता है। तो ऐसे केसेस में भी आप इसको टाइफाइड का जो हाई ग्रेड का जो हो सकता है, सिप्टीसीमिया का भी अगर होता है तो ऐसे हाई ग्रेड फीवर वाले को भी आप यूज कर सकते हैं ये मेडिसिन, इससे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरी चीज़ों में अगर हम देखें तो इसका अब खास करके क्योंकि इसको आप छोटे बच्चों में नहीं दिया जाता, इसलिए कहा जाता है कि इसका जो ये है मदर टिंचर, तो हम मदर टिंचर के बाद बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं और मदर टिंचर को हम भी नहीं यूज करते हैं। हम इसका सिर्फ पोटेंसी के बारे में यहाँ बात कर सकते हैं, और जहाँ तक पोटेंसी का लेने का सवाल है पोटेंसी डॉक्टर अपने आप अपने दिमाग से इसको सेलेक्ट करेंगे। और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल से जुड़िए, कोशिश करेंगे इम्पोर्टेंट जो होता है मेडिसिन का जो पिक्युलर सिम्टम होता है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लाते हैं वो आपसे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।